ये एक टेबल है मिनिमम पे और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट, मैक्सिमम पे और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट। तो अगर मिनिमम पे कम से कम कितना होता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैंने आपको दोनों तरह से एक चार्ट के थ्रू बता दिया है। आप इसे आसानी से स्टडी करके समझ सकते हैं कि किसी को कितना मिल सकता है। बेसिक पे 15,600 से और मैक्सिमम हो सकता है 39,100 तक। ग्रेड पे है 6,600 से, इसमें दोनों में सेम है, टोटल आपका बनता है 22,200, इसमें बनता है आपका 45,700। तो ये आपका टोटल पे बनता है। इसमें डीए मिलेगा आपको 125%, और इसमें मिलेगा आपको एचआरए, इसमें टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, फिर ग्रोथ सैलरी आपकी बनेगी 63,810 और इसमें बनेगी 1,23,735। इसमें लेस हो जाते हैं अगर कुछ डिडक्शंस है, और प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है आपका तो वो इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। और फिर आपके पास नेट पे कैश इन हैंड बचेगा आपके पास 55,000 के आसपास, और ये बचेगा 1,03,000 के आसपास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये इस तरह से इसमें फ्लक्चुएशन होती है, और ये फ्लक्चुएशन कभी भी कुछ चेंज भी हो सकता है, जो परसेंटेज है ये गवर्नमेंट फ्लक्चुएट कर सकती है। एचआरए डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ सिटी, जो एचआरए मिलता है वो उस सिटी के क्लास के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी कि जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, हाई है, लो है, मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यू विल बी पोस्टेड इनटू इट कैन बी 10%, 20%, 30%। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे 10, 20, 30% जहाँ भी उसका स्ट्रक्चर होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे।